नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के दौरान आज हम देखेंगे कि स्टील कैसे बिछाया जाता है, स्लैब में स्टील कैसे डालते हैं, बीम में स्टील कैसे डालते हैं, क्या स्पेसिंग होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे आज हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ होती है, जब आप स्लैब डालने वाले होते हैं तो आप अपने इंजीनियर से मुलाकात करके ये डिसाइड करें कि हमें क्या सरिया डालना है, क्या किस साइज़ का सरिया डालना है, कितनी क्वान्टिटी में डालना है, क्या स्पेसिंग रखनी है, क्योंकि इंजीनियर ही आपको ये बता पाएगा कि क्या स्पेसिंग रखनी चाहिए, क्योंकि उसने प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ है। इस साइड पर कोई भी इंजीनियर नहीं था, ये मकान मालिक ने ठेकेदार के हिसाब से इसमें सरिया डलवाया है। सबसे पहले बात करते हैं बीम में। आप देख पा रहे होंगे बीम में उन्होंने टॉप में दो वायर डाले हुए हैं और बॉटम में तीन वायर डाले हुए हैं। टॉप के वायर का काम सिर्फ इतना होता है कि आपके जो रिंग प्रोवाइड किए हुए हैं रिंग को प्रॉपर पोजीशन में रख सके, क्योंकि टॉप में कोई कंप्रेशन लोड आता है तो वो कंक्रीट रजिस्ट कर लेता है और बॉटम में जो टेंशन जोन आता है वो सरिया रजिस्ट कर लेता है। ये चीज़ यहाँ पर 12 mm के सरिया यूज़ किए गए हैं, साथ ही साथ जो छल्ले यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो रिंग्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो 8 mm के इस्तेमाल किए गए हैं। इनको प्रॉपर अच्छे तरीके से बनाया नहीं गया है, क्योंकि ये थोड़े से और अंदर की तरफ 135 डिग्री पर मुड़े होने चाहिए। और साथ ही साथ स्पेसिंग का भी अपन ध्यान देते हैं तो कॉलम के पास में स्पेसिंग 100 mm के आसपास होनी चाहिए और सेंटर में 200 होनी चाहिए, जो कि नहीं की गई है। इसमें छल्लों को एक समान दूरी पर रखा हुआ है, जो कि गलत है। अब ऐसा हम क्यों मानते हैं कि सेंटर में छल्लों की संख्या कम और दूरी पर होनी चाहिए तथा कॉलम के पास में पास क्यों होनी चाहिए? इसके लिए सबसे बड़ा कारण ये होता है, जो अपना बेंडिंग मूवमेंट आता है वो सेंटर में आता है, जो कि अपने जो एक्स्ट्रा वायर प्रोवाइड किए होते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि तीन वायर नीचे प्रोवाइड किए गए हैं जो कि बेंडिंग मूवमेंट के लिए रजिस्ट करते हैं, और जो कॉलम के पास में या सपोर्ट के पास में होते हैं वहाँ पर शेयर रजिस्ट करना होता है। तो शेयर के लिए छल्ले रिस्पॉन्सिबल होते हैं और बेंडिंग के लिए बॉटम में प्रोवाइड किए हुए बार। ये तो बात हो गई बीम की, अब बात करते हैं स्लैब की। दोस्तों, इन्होंने इस स्लैब में मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार में दोनों में इन्होंने 10 mm का सरिया यूज़ किया हुआ है, जिसको इन्होंने 6 इंच की स्पेसिंग पर साथ रखा हुआ है, जो कि इन्होंने ऐसे ही रख दिया है। इसके पीछे इनका कोई लॉजिक नहीं है। इन्होंने पूरे स्लैब में टू वे स्लैब यूज़ की हुई है। अब देखते हैं कॉलम और बीम के जंक्शन पर इन्होंने कैसा काम किया हुआ है। कॉलम और बीम के जंक्शन पर इनका काम बहुत ही घटिया है। इन्होंने जो अपना बीम आती है, बीम में डेवलपमेंट लेंथ नहीं बढ़ाई है, जो कि बहुत ही गलत है। यहाँ से कई बार सिल्विंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब बीम के ऊपर बेंडिंग मूवमेंट आता है तो बीच में लोड आने के कारण कोनों पर या अपन किनारों पर बात करें तो वहाँ खिंचाव पड़ता है। खिंचाव पड़ने के कारण अगर आप इनको डेवलपमेंट लेंथ बना के नहीं बांधते हैं तो इनका फिसलने का डर होता है, जिससे आपकी स्लैब में कमजोरी आ सकती है, आपकी बीम कमजोर हो सकती है। दोस्तों, हम ऐसे देखेंगे तो इसमें बहुत सारी गलतियाँ निकल के आएंगी, लेकिन आप जो बेसिकली चीज़ें जो मोटी मोटी बातें थी वो हमने जज कर ली है कि बीम और कॉलम में और क्या हम बेस्ट कर सकते थे। हाँ, कॉलम में ओवरलैप नहीं किया हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे, ओवरलैप और बढ़ाना चाहिए, जो कि गलत है। स्लैब में आप देख पा रहे होंगे बीच में एक चोर बीम प्रोवाइड की गई है, ऐसे हिडन बीम भी कहते हैं। स्ट्रक्चर में इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि यह कहीं भी आपको स्ट्रेंथ या सपोर्ट कंट्रीब्यूट नहीं करती। सिर्फ इसका कार्य ये होता है कि जब आप फर्स्ट फ्लोर पर आप अपनी डिज़ाइन चेंज करते हैं तो इसके ऊपर आप बाल खड़ी कर सकते हैं, दीवार खड़ी कर सकते हैं। सिर्फ इस चोर बीम का इतना कार्य होता है। ओवरऑल स्लैब की बात करें तो क्वालिटी तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अब मकान मालिक द्वारा अपने पैसे बचाकर इंजीनियर ना लगाने के कारण बहुत सारी मिस्टेक्स यहाँ पर देखने को मिली हैं। और यहाँ पर इन्होंने कोई भी कैंटिलीवर बीम नहीं प्रोवाइड की हुई है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कॉलम प्रोवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से ये सपोर्ट ले लेता है, तो कैंटिलीवर का कोई यूज़ नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस प्रकार की और भी वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें चैनल। थैंक यू सो मच।